फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है KGF चैप्टर 2 ट्रेलर रिव्यू। तो देखते हैं, हमने भी किया था ट्रेलर रिव्यू, हमने देखा भी था और उसके आपके साथ देखा है और उसके बाद रिव्यू किया है। अब देखते हैं ये क्या कह रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ फिल्में बनती हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ फैंस का दिल रखने के लिए, तो कुछ रिकॉर्ड्स के पीछे भागती हैं। लेकिन एक अकेला नाम ऐसा भी है जो पूरी हिस्ट्री से लड़ाई लड़ रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कसम खा चुका है। क्या बोले इम्पॉसिबल, लेकिन ये बंदा भी जिद्दी बहुत है। समझे कि नहीं, अरे वो इतना भी नहीं जानते। KGF चैप्टर 2 सिर्फ नाम सुन के अंदर सब कुछ हिल गया ना गुरु। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, आप तो अभी से डर गए। फिलहाल ट्रेलर ने जो यूट्यूब पे आग लगाई है, उसका धुआं आपके घर भी पहुंच गया होगा, पता है मुझे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और मॉन्स्टर आ जाए। मैं खुद इस बीमारी का शिकार हो गई हूँ, जिसका नाम है रॉकी द मॉन्स्टर। ही इज ऑफिशियली बैक एंड सिनेमा आज के बाद सी से नहीं के से शुरू होगा, KGF। ओ भाई, वॉटर ट्रेलर! अपने इंडिया में भी इस लेवल का सिनेमा बन सकता है, उस पे यकीन तो नहीं होता, लेकिन सच है बॉस, आंखों के सामने है। 4 साल का वेट जिसने KGF को एक मामूली फिल्म से इमोशन बना दिया, उसका 50% रिटर्न तो इस ट्रेलर से ही मिल गया। LIC छोड़ो, यश बॉस सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है। लगा दो अपने इमोशंस इधर ही, लगा दो, डूबोगे नहीं, गारंटी मेरी। चलो, जज्बाती बातें काफी हो गई, अब आते हैं फैक्ट्स पे। हाँ, तो KGF चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रॉकी भैया KGF की कुर्सी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब चैप्टर 2 में उस पे बैठ के ये बंदा क्या क्या करेगा और किस किस से लड़ेगा, पूरी कहानी उसी पे बेस्ड होगी। ट्रेलर की सबसे बढ़िया बात है कि फिल्म का पूरा सस्पेंस एकदम पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया है। असली माल थिएटर में ही मिलेगा, यहाँ सिर्फ लॉलीपॉप है आंखों के लिए। रॉकिंग स्टार यश की एंट्री ब्रेड टेकिंग है। टीजर से ही अंदाजा लग गया था कि ट्रेलर में कुछ अलग ही लेवल का बवाल देखने को मिलेगा। गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस है, जिसको प्रशांत नील ने इतनी क्रिएटिविटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, जिसको मैच कर पाना बॉलीवुड हॉलीवुड सबके लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा। और ये हैमर का नया शौक लग गया है अपने रॉकी भैया को, बेचारे थॉर की भी वाट लगने वाली है लगता है। मुझे नहीं पता लास्ट मैंने ऐसा कौन सा ट्रेलर देखा था जिसका एक एक सीन वॉलपेपर की तरह फील होता है। क्या कमाल का विजन है, कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, प्रशांत नील ने इम्प्रेस कर दिया लिटरली। बट एक चीज नोटिस की आपने, KGF पूरी तरह वन मैन शो थी, लेकिन चैप्टर 2 एक टीम एफर्ट लग रहा है, क्योंकि काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। संजय दत्त एज अधीरा काफी शॉकिंग है, विंटेज संजू बाबा वाइब्स वापस आ गई है। मुझे नहीं पता डायरेक्टर साहब के दिमाग में क्या है, लेकिन इतने तगड़े विलन से अपना हीरो कैसे जीतेगा, आई हैव नो आइडिया। खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको देखकर एक्साइटमेंट तो फील होता है, लेकिन साथ साथ डर भी महसूस हो रहा है। एपिक लड़ाई होगी, रॉकी वर्सेस अधीरा, मास विद क्लास, थिएटर फट जाएंगे। लेकिन डायरेक्टर साहब की चालाकी तो देखो, सिर्फ मुलाकात मुक्का लात नहीं, कहानी में इस बार दिमाग से भी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। जिसका फेस बनके रवीना टंडन KGF की दुनिया में एंट्री मार रही है। आप मानो या ना मानो, इनका कैरेक्टर KGF 2 के क्लाइमेक्स का डिसाइडिंग फैक्टर होगा, रॉकी के साथ है या रॉकी के खिलाफ। लेकिन जितना क्रेडिट हम एक्टर्स को दे रहे हैं, विजुअल्स को दे रहे हैं, एक्शन को दे रहे हैं, डायरेक्टर सर को दे रहे हैं, उतना ही बराबरी का क्रेडिट रवि बसरूर को भी दीजिए। कौन है ये, नहीं जानते? ओ हेलो जनाब, नींद से जागिए। रवि सर ही वो इंसान है जिसकी वजह से ये ट्रेलर बाकी इंडियन मूवी से 2 कदम आगे है। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने कान से घुस के सीधे आपके दिल पे हमला किया है, उसके क्रिएटर यही हैं। अभी तो सिर्फ टीवी या मोबाइल पे सुना है, थिएटर में तो 3 घंटे गूजबम्प से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन पर्सनली मेरे लिए ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है बैलेंस। बोले तो एक तरफ वॉयलेंस है, खून खराबा, मार धाड़ और तोड़फोड़ एक्शन दे दनादन टाइप का, तो दूसरी तरफ इमोशंस भी हैं, वो चीज जो KGF को बाकी मास मूवीज से एकदम अलग बनाती है, और इसी की वजह से ये कहानी हम सबको पर्सनल फील होने लगती है। एक ही ट्रेलर में इंटरनेशनल लेवल के विजुअल्स, बॉलीवुड जैसी फीलिंग वाला BGM, कमाल के एक्टर्स विद एक्स्ट्रा कमाल का इंट्रोडक्शन, साथ में वॉयलेंस, एक्शन और इमोशंस का कॉम्बो, और एक अनप्रिडिक्टेबल कहानी जो ना जाने कब, कैसे और कहां पे खत्म होगी, तगड़ा सस्पेंस, बस और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या? अब देखो यार, मेरी आदत है, जो दिल में आता है वो साफ साफ बोल देती हूँ बिना किसी फिल्टर के। मुझे RRR अच्छी लगी तो मैंने बोल दिया, और अब KGF का ट्रेलर मेरे लिए मास्टरपीस है बिना किसी शक के, तो उसकी भी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास अलग ही हेटेड आ रहा है, जिसमें इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मैं साउथ सिनेमा को ज्यादा फेवर करती हूँ और बॉलीवुड से नफरत। देखो बॉस, एक तरफ जब बच्चन पांडे जैसे घटिया रीमेक्स देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ KGF जैसा वर्ल्ड क्लास सिनेमा, तो मैं खुशी खुशी साउथ सिनेमा की ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हूँ। आप कितने भी मैसेज भेजो, हेट फैलाओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं किसी से नहीं डरती, जो अच्छा है उसकी तारीफ करने से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। KGF 2 का ट्रेलर और RRR का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दोनों को मैच कर पाना बॉलीवुड
सबके लिए असंभव है, इम्पॉसिबल। जिस दिन ऐसा होगा मैं सबसे पहले तारीफ करूंगी, वादा है मेरा। चलो मैंने बहुत बोल लिया, अब असली फीडबैक तो आप लोगों का ही होगा ना। पब्लिक इज द किंग, जिसके सामने खुद KGF का सर झुकता है, कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर नीचे कमेंट मार के बताओ। 4 साल का वेट वर्थ था या फिर कुछ तो कमी रह गई? पुराना KGF वाला वाइब मिसिंग तो नहीं है? सच सच बताओ जो भी फील हुआ हो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स वही जो हमने बताया था वह वही है कि भैया इंटरनेशनल लेवल की बनाई, हमने तो कहा था हॉलीवुड जैसी है, और हमने तो मैड मैक्स के साथ कंपेयर करके बताया था कि बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जो वहां पे इविलनेस और वो दिखाई थी। और उसको देख के मेरे को, जब मैंने वो मैड मैक्स देखी थी, मुझे याद है कि मैं कहती इतना गंदा आदमी कैसे कोई हो सकता है, और इसमें बिल्कुल संजय दत्त ने वैसा ही दिखाया है कि इतना इविल, इतना स्ट्रांग और इतना उस टाइप का। और मेरे को तो बहुत पसंद आया करेक्टर जैसे दिखाया है संजय दत्त का। और जो बता रहे हैं यश के जो एंट्री सीन था और जिसपे वो डायलॉग मारा था ना कि भैया मुझे तो वॉयलेंस नहीं पसंद पर वॉयलेंस लाइक्स मी, वो बड़ा कमाल का डायलॉग था, मजा ही आ गया सुनकर। तो वही वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इन्होंने, मतलब एक एक माइन्यूट डिटेल को देख के उन्होंने बनाया। तो बॉलीवुड जब कैसे उसको बीट कर सकता है? क्या जबरदस्ती बॉलीवुड की मूवियों को अच्छा अच्छा करते रहेंगे? आप बनाओगे अच्छा तो हम बोलेंगे अच्छा, अगर आप नहीं बनाओगे अच्छा, जो अच्छा बनाएगा उसको बोलेंगे। तो इसमें आपको यही सोचनी चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ब्लाइंडली फैन फॉलोइंग करते हैं कि किसी एक्टर के फैन बन गए और ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब हमें उससे ऊपर उठना चाहिए, हम पब्लिक हैं, समझदार हैं, हमें किसी के पीछे नहीं भागना, हमें काम देखना है कैसी चीज बना के आप हमको दिखा रहे हो, क्या उस चीज में कुछ लर्निंग है, कोई अच्छाई है कि आप बस हमें बुद्धू बनाने के लिए बैठे हुए हो। तो वही है, ये इतनी प्यारी मूवी बनी है, RRR इतनी प्यारी मूवी बनी थी, तो ऑब्वियसली उसको प्रेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो दिस वाज जस्ट फैंटास्टिक। उन्होंने सही कहा कि आपने विलेन इतना स्ट्रांग बना दिया है, पता नहीं ये हीरो कैसे जीतेगा ऐसे विलेन से। मुझे भी यही लगता है। इतना भयानक बनाया था वो कैरेक्टर, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और मुझे भी लग रहा था भयानक कैरेक्टर से पता नहीं कैसे जीतेगा हीरो, मगर वो तो मूवी देख के पता चलेगा। उन्होंने सही कहा कि क्वालिटी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, वीडियोग्राफी अच्छी थी, सभी कुछ अच्छा था, और इसमें क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। और अगर कोई बंदा इतनी अच्छी बना रहा है तो उसे अच्छी बोलेंगे। बॉलीवुड नहीं बना पाता तो हॉलीवुड के भी टक्कर कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप अच्छी बनाने आपको रोक थोड़ा रहे कोई, मगर जो दिख रहा है उस पर इंसान कॉमेंट करेगा कि बहुत अच्छी। हमने भी कहा था कि सदर्न इंडिया से जो मूवीज लेटली आई हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि बॉलीवुड नहीं कम्पीट कर पा रहा, जबकि बॉलीवुड के इतना पैसा है। तो अपने पैसे को ठीक तरह लगाइए, कम्पीट करिए, अच्छी बनाइए जिसमें कोई सोसाइटी का भला हो, कोई अच्छा मैसेज हो, सिर्फ गपशप और ये सब ना हो। ठीक है वो भी मूवीज होती है, मगर इस वक्त उन मूवीज का ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है जहां पे जो आपको छू के जा रही है। तो वेरी नाइस, इन्होंने भी कहा, साफ साफ कहा कि भैया जो है सो है, अच्छी लगी है इसलिए बोला, तो वेरी नाइस। बस और मैं भाई अब ये सोच रही हूँ कि चैप्टर 1 आई, अब चैप्टर 2, अब ये इसमें एंडिंग हो जाएगी कि चैप्टर 3 भी आएगी, मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है। अगर कोई भी सीरीज सक्सेसफुल होती है तो और चैप्टर्स आने चाहिए, हर कोई कहेगा और चैप्टर आने चाहिए, क्योंकि एक आपको स्टोरी नजर आती है, मगर जैसे इन्होंने कहा कि पर चार साल लगे, क्योंकि फिर आप क्वालिटी भी तो है ना, क्वालिटी जैसे वो अवतार है, अवतार को कितना टाइम लग रहा है, पता नहीं कब आएगी, हाँ, उसको वेट, मतलब तब तक तो हम भूल ही गए क्या होती थी। तो वही ना, वो अच्छी चीज बनाने में टाइम भी लगता है, पर ये है कि हम लोगों को होता है कि अब जल्दी दिखाओ हमें, तो वही है, पर दिस वाज फैंटास्टिक। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।